हम लोग श्रवण कर रहे हैं गौर पार्षदा एवं गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के संक्षिप्त चरित्र के भीतर श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र। आज परम पूज्यपाद तिल्यापृष्ट मिश्रपाद भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज जी का भी तिरोभाव है। सुबह हमने उनके बारे में थोड़ा सा उनकी कृपा प्रार्थना की। अभी कल हम लोग जो श्रवण कर रहे थे माधव गोस्वामी महाराज जी की अंतिम वाणी को, उसे आगे लेके चलेंगे। ये तो नीचा हो जाएगा ना, टेबल दूसरा चाहिए ऐसा, नहीं तो कुर्सी ले लो वाली चेयर। वस्त्र ले आओ, वस्त्र। वस्त्र लेके आओ, सजा कर ना, ना वहीं से लेके आओ सजा। तो हम श्रवण कर रहे थे श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के अंतिम समय की जो वाणी है उसे। कल श्रवण किया था हमने कि तीन चीजों को से हमारी जो आत्मा की वृत्ति है, आत्मा की वृत्ति सेवा शरणागति, ये आत्मा की वृत्ति हमारी संसार की तरफ चले जाती है, संसार में बिखर जाती है। उससे कैसे बचना है, ওখান থেকে কাপড় টাপড় নিয়ে আসো না, এখানে ঢালবে, চলছে সবাই, হ্যাঁ ভালো আছে, খুব ভালো। তো তিন যে বাধাই হ্যাঁ উনসে হমে বচনা হোগা। যশ কি আকাঙ্ক্ষা লোক হমে ভক্ত কহে, लोग कहें कितनी बड़ी भक्त है, ठाकुर जी का नाम सुनते रोने लगती है, लोग कहें वाह कैसा गाता है, जैसे गाता है ऐसे लगता है मानो भगवान आ गए। ये जो भावनाएं हैं ये दुर्भावनाएं, इससे भगवान की भक्ति नष्ट हो जाती है। परम पूज्यपाद नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की। ये तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा। तो ये तीनों आकांक्षाएं, तीनों चीजें, कनक कामनी और प्रतिष्ठा, इससे हमने बचना है। कैसे बचेंगे, बचने का क्या तरीका है? साधु संगे नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग में हरि नाम संकीर्तन करेंगे। नीचे से ऊपर रखो,
नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की, जिनका आप अभी चित्र में दर्शन कर रहे हैं उनका आज तिरुभाव दिन है। आज को अवलंबन करके, आज की तिथि को अवलंबन करके, चतुर्दशी इसे अवलंबन करके वो नित्य गोलोक धाम में प्रवेश किया था। जगन्नाथपुरी में उन्होंने शरीर छोड़ा था और एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। कैसा व्यक्तित्व था? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा मुख में हरि नाम, मान की कभी इच्छा नहीं की और हर किसी को सम्मान देना, सहनशीलता की पराकाष्ठा, इस प्रकार से अपने जीवन में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के तृतीय श्लोक को मूर्तिमंत किया। ये इनके व्यक्तित्व का एक विशेषता थी। आज उनका तिरुभाव है, उनके चरणों में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे शिलपुरी गोस्वामी महाराज, आप भगवान के नित्य धाम में उनकी सेवा में हैं, आज आप प्रवेश किए हैं, इसलिए आज आपका हृदय और भी विशाल है कि जाते समय आपने अपना सब कुछ जगतवासियों को लुटाना चाहा, मैं वंचित रह गया, प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन आप कृपा करें जैसे कि मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों के छत्र छाया में आपका दर्शन कर पाऊँ, आपकी सेवा का दर्शन कर पाऊँ। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की। परम गुरु जी कहते हैं जो अनर्थ युक्त साधक हैं उनमें ये तीनों बाधाएं रहती हैं। अनर्थ युक्त साधक का क्या मतलब होता है? आप लोग बहुत दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं, महाराज जी पीछे बैठे हैं इसलिए। अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं आप में से कोई बता सकता है? हाथ खड़ा कर सकता है? सिर्फ हाथ खड़ा करना, पूछूंगा नहीं। अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों में से तो तैयार होंगे। चार प्रकार के अनर्थ हैं, ठीक है। पहला है स्वरूप भ्रम, दूसरा है असत तृष्णा, तीसरा है हृदय दौर्बल्य, चौथा है अपराध। जिसका जो अनर्थ युक्त जीव होता है वो अपराध करता ही करता है, उससे अपराध होते ही हैं। नीचे रखने के लिए पैरों में कुछ दे दो, ये दे दो, तो थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे जिससे कि शायद परम गुरु जी जो कहना चाहते हैं हमें समझ में आ जाए। कहते अनर्थ युक्त जो साधक है उनमें ये तीनों बाधाएं रहती ही हैं, लेकिन हम इन तीनों का वर्धन नहीं करेंगे, इनको बढ़ाएंगे नहीं। कौन कौन सी? जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं। कनक, जितनी जरूरत है संसार को चलाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उसको छोड़ करके उससे अतिरिक्त इकट्ठा करना, गृहस्थी के लिए, बाबा जी और सन्यासियों के लिए अपने अपने बैंक बैलेंस बनाना, ये कनक नाम का बाधा है। धन संपदा की नाम की ये बाधा है जो जीव को इस संसार में, अहम और अस्मिता जीव की इस संसार में खींचती है कि मेरे पास ये है, मैं इतना धनी हूं, ये एक बाधा है। कनक, कामिनी, अपनी पत्नी को, अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के पास में सुख की इच्छा करना, ये बहुत बड़ी बाधा है।
और फिर तीसरी बाधा जो कि चंडालनी की तरह है वह है प्रतिष्ठा, मान सम्मान। देखिए हम बचपन से सुनते हैं कुछ ऐसे काम करो कि जग में नाम करो, कुछ ऐसे काम करो कि तुम जग में नाम करो, और लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में आने के बाद में कहते नाम दुनिया करे करे, लेकिन तुम्हारे हृदय में नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ कर गया, मैंने कुछ किया। अगर आ गया तो तुम्हारा भजन कभी भी पूर्ण नहीं होगा। भजन पूर्ण होने का मतलब भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ठीक, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये तीनों बाधाएं जो हैं किसको होती हैं, किसके जीवन में आती हैं, जो अनर्थ युक्त है। अनर्थ युक्त किसे कहते हैं उस बात को हम श्रवण करें, थोड़ा ध्यान दीजिए। चार प्रकार के अनर्थ हैं। अनर्थ का मतलब ना अर्थ, अर्थ मतलब जरूरत। जिसकी जरूरत नहीं है उसे अनर्थ कहते हैं, जरूरत नहीं को अनर्थ। वो जिसकी जरूरत नहीं वही हमारे ऊपर हावी है, वही हमारे साथ में है, उसी को लेके हम चल रहे हैं, ये है अनर्थ। स्वरूप भ्रम, मैं कौन हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, जहां मैं वो हूं जो अंदर से बोलता कि नहीं ये ना कर, इसको कर लेते हैं। मैं वो हूं जहां मैं ये हूं, गर्मी लगती है मुझे, ठंडी लगती है मुझे, मैं कौन हूं, मैं ये हूं जिसको ठंडी भी लग रही है गर्मी लग रही है, जब मैं वो हूं जो कह रहा कि चल ठंडी लग रही है रजाई ले ले, जब मैं वो हूं जो इस ठंडी और गर्मी से बिल्कुल अलग है। मतलब जब हम बेहोश होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि शरीर कहां है, ठंड में है, गर्मी में है, किसमें है। एनेस्थीसिया देने के बाद में आत्मा रहती है, बंदा रहता है, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं होता। मैं हूं कौन पता ही नहीं है। किसी से भी पूछो आपका नाम, बोले विकास। अच्छा, आपका नाम विकास, आगे गुप्ता, विकास गुप्ता, ठीक है। अच्छा, आप जब जन्म हुआ था तो आपका नाम उसी वक्त अंदर से आया था, निकला विकास, ऐसा है? ऐसा है? कुछ दिनों बाद नाम रखा, इसका मतलब आप थे, आपका नाम नहीं था। आप कौन थे कल्पना करके देखो, उस समय को याद करो जिस समय आप माता के गर्भ से प्रकट जन्म लिया, और उस वक्त आपका कोई नाम नहीं, आप कौन हो? बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है कौन है ये सब, अंदर तो ये सब कुछ था नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है कौन हो। बार बार कान में डालते मेरा बिक्कू, मेरा बिक्कू, बिक्की, बिक्यास, विकास, पता नहीं क्या क्या नाम डालते रहते। बाद में जैसे कुत्ते को हम बुलाते ना, ए टिंकू इधर आ, वो कुत्ता दुम मिला के आता, उसको नहीं मालूम टिंकू मतलब मैं हूं। टिंकू बोलने से मतलब वो सोचता है कि मैं हूं। ऐसे ही हमारा ऊपर नाम थोपा गया। कैसे थोपा गया? बार 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 बहन बोल रही, माँ बोल रही, भाई बोल रहा है, दादाजी बोल रहे, माता जी, सारे अरब सब वही बार बार बोल रहे, तो हमारे अंदर क्या बैठ गया कि मैं विकास गुप्ता हूं। इसी तरह से जैसे गुरु जी बोलते जिन जैसे शब्द के द्वारा जीव बंधा है, ऐसे ही शब्द के द्वारा जीव निकल सकता है। गुरु जी कहते शब्द की असमूर्त शक्ति है, वर्ड हैज अ ट्रेमेंडस पावर। सिर्फ शब्दों से जीव फंसा है, मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, मेरा ये नाम, मेरा वो नाम, ये शब्द सुन सुन के तो फंसा, तो अब शब्द सुन सुन के ही निकल सकते हो। स्वरूप भ्रम मतलब अपने शरीर का परिचय हम देते हैं, अपना परिचय हम जानते नहीं। जब हम अपना परिचय नहीं जानते, जब हमें पता ही नहीं लग रहा कि मैं कौन हूं, तो मैं जो चाहूंगा वो भी उसी के अनुसार ही तो चाहूंगा जैसा मैं सोच रहा हूं। अगर आपको मालूम पड़े कि आप पाकिस्तानी हो,
आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे मालूम पड़ जाए, तो आप हिंदुस्तान में भी रह के कुछ उसके बारे में सोचोगे कि मेरे पिताजी ने पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, हिंदुस्तान में रह के भी वहीं की जय जयकार करोगे। लेकिन कल्पना करके देखिए, अगर आपको ये मालूम पड़े कि आप ये हो ही नहीं शरीर जो दिखाई दे रहा है, तो आप जितनी एनर्जी शरीर के लिए लगा रहे हो वो एनर्जी आप लगा पाओगे जिस दिन मालूम पड़ेगा? अभी तो मालूम नहीं पड़ रहा है। जिस दिन मालूम पड़ेगा कि आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आपका है ही नहीं, वो आदमी तो हॉस्पिटल से चुरा करके आपको लेके आया था जो आज भीख मंगवा रहा है, अगर मालूम पड़ जाए जिस घर में रह रहे हो जो भीख मंगवा रहा है आपसे, वो आदमी हॉस्पिटल से चुरा के लेके आया था, आप तो एक बड़े सेठ साहूकार के बेटे हो, मालूम पड़े तो आप बताइए क्या आप वहां रहना चाहोगे? क्या फिर भीख मांगना चाहोगे? आप तो चाहोगे 10-20 लाख रुपए भैया तू ले मेरे को छोड़, है कि नहीं? ये है स्वरूप भ्रम। हम यो नहीं है, हम असत नहीं है, हम हमेशा रहने वाले तत्व हैं, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले नहीं। जब हम मरने वाले नहीं हैं, हम सत हुए, इसका मतलब जब सत हैं तो हमारी सत के लिए इच्छा होनी चाहिए। पानी की बूंद क्या आकाश में रहती है? कहां रहती है? पानी की बूंद धरती पर रहती है, लेकिन उसकी कोशिश धरती पर रहने की नहीं होती, उसकी कोशिश होती समुद्र में जाने की। ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो नदी बन जाती है, नाला बन जाता है, नदी बन जाती है, नदी बनने के बाद समुद्र में चली जाती, जहां से आई वहां जाएगी जाएगी, बिना उसके उसको चैन नहीं मिलेगा। पत्थर ऊपर फेंको बड़ी जोर से, वापिस धरती पर आएगा ही आएगा, क्योंकि जिसका अंश है उसके पास बिना गए उसको शांति नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हम लोग सत तत्व हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणम ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर हंत होता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन हम नष्ट, लेकिन ध्यान दीजिए हम नष्ट नहीं होते, लेकिन जो नष्ट होने वाला है उसके लिए सारी एनर्जी लगा रहे। ये नष्ट होने वाला है ना, इसी के लिए सारी एनर्जी लगा रहे, जे घिसापट्टी लगे हुए हैं बस पॉलिश करने के लिए। इसी को हम लोग प्रेजेंट रखना चाह रहे हैं। ये है असत तृष्णा। क्या है? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम सत हैं, इसीलिए हमारा असत ये शरीर इसके प्रति तृष्णा जागती है, या दूसरे के शरीर के प्रति तृष्णा जागती है। स्वरूप भ्रम के बाद असत तृष्णा। अब देखिए असत तृष्णा जब होती है, मतलब शरीर के लिए हमारी तृष्णा जागती है, इच्छा होती है प्राप्त करने की, सुख देने की, सुखी रखने की, तब क्या होगा? हृदय थोड़ा दुबला हो जाता है। हृदय दुर्बल है मतलब अंदर थोड़ा दुबलापन आ जाता है। मैं क्या करूं, अगर मैं तिलक लगा के जाऊंगा ना तो बॉस मेरे को क्या करूं, चलो थोड़ा हल्का लगा लूं गुरु जी, हल्का लगा लूं, चल ठीक है यार तू लगा ले किसी तरीके से, हल्का लगा ले। ये हृदय दुर्बलता क्यों हुई? असत के कारण से। असत तृष्णा है उसके लिए, संसार से सुख की आशा ही असत तृष्णा है, शरीर से सुख की आशा ही असत तृष्णा है। इस शरीर के सुख का कहीं रुक ना जाए, शरीर का सुख कहीं रुक ना जाए, इसके लिए ही हमारे साधन भजन में कमजोरी आती है और हृदय दुबला पड़ जाता है। कैसे दुबला पड़ जाता है? क्या करूं अगर वहां पे जाकर के शादी में कुछ नहीं खाया तो महाराज भजन तो ठीक है अपनी जगह है, आत्मा का भजन तो आप शरीर से क्या लेना देना, शरीर का काम शरीर करे, आत्मा काम आत्मा करे, भजन तो आत्मा ने करना है, शरीर को जो मर्जी दे दो। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वहां जाएंगे शादी में क्या करें, अगर प्याज नहीं खाएंगे बना हुआ तो दुखी हो जाएंगे वो लोग, इसलिए प्याज लहसुन तो इतने तो छूट होनी चाहिए। ये हृदय की दुर्बलता है। क्यों? आप असत
संसार में रहना चाह रहे हो। ये असत तृष्णा जो है, इस असत शरीर में आप रहना चाह रहे हो, जो कि आपके पिताजी नहीं रह पाए, आपके दादाजी नहीं रह पाए, आपसे छोटे चले गए, आपसे बड़े चले गए, आपके बराबर के चले गए, गर्भ में चले गए, गर्भ से निकल के चले गए, खाते हुए चले गए, सोते हुए चले गए, ना जाने जितने आए उतने चले गए। आप क्या गारंटी लेके बैठे हो ज्यादा से ज्यादा 50 साल और, बच्चे लोग 70 साल और, इसके बाद क्या हम में से, आज की डेट को नोट कर लीजिए, आज की डेट से 100 साल बाद हम में से कोई भी मनुष्य नहीं रहेगा। आज की डेट से 100 साल बाद हमारे में से कोई भी मनुष्य नहीं रहेगा, दूसरे ही आए हुए होंगे, है कि नहीं। तो ये 100 साल का जो टाइम है हमें बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप विचार करके देखिए कितना बड़ा, आपकी एज कितनी, 65 61, 61 साल आपके बीते। थोड़ा सा आंख बंद करके देखो, वो 61 साल आपको सपने की तरह लगेंगे, और ऐसे लगेगा उसमें से एक दो इंसिडेंट आपके जो दिलो दिमाग में बैठे होंगे वही याद आएंगे। जैसे व्यक्ति 7 रात को सोने के बाद उठता है, उठने के बाद में उसके सामने एक आधा दृश्य सपने का याद रहता है, ऐसे ही 61 साल बीत गए सपने की तरह। गुरु जी कहते हैं, ए जो बीता सपने की तरह, आने वाला क्या होगा, वही तो सपना ही होगा। गुरु महाराज जी कई बार बड़ा मतलब ऐसे शब्दों को बोल देते थे, लेकिन वो शब्दों के अंदर गंभीरता इतनी होती थी कि वो बाद में समझ में आते हैं। तो ये विचार करने वाली बात है, स्वप्न की तरह बीता। आप अपने अपनी एज को देख लीजिए कैसे गई, 28 साल, 30 साल, 25 साल, 12 साल, 15 साल, कैसे गए स्वप्न, और सपने में थोड़ा सा कुछ याद रहा, बाकी सारा भूला हुआ, और उसको भी जो याद करते हैं वो भी पूरा याद नहीं आता। तो ऐसे असत संसार में जो आपके साथ नहीं है, नहीं रहेगा, उस संसार के प्रति जब ज्यादा ही हम अपने हृदय को लगाते हैं तो हृदय के अंदर दुबलापन आ जाता है कि मेरे को थोड़ा खा लेने में क्या है, चल आज माला नहीं हुई कोई बात नहीं, कल मैं डबल कर लूंगा, क्या जा रहा। ये हृदय के अंदर जो दुबलापन आता है भजन के लिए, भक्ति के लिए, ये आगे आपका नुकसान कर देता है, क्या करता है, अपराध करा देता है। क्या अपराध करा देता है, देखिए विशेष रूप से किसी को शुगर हुई हो, मिठे का लोभी है, दुबलापन क्या करता है, वो आज ले लो कुछ नहीं होता, लेकिन वो आप देख नहीं पा रहे, रोग बढ़ रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, सिर्फ 4 इंच की जीभ के बाद वो रोग बढ़ रहा है, वो जो आप गलती कर रहे हो उससे आपको नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से आत्मा का नुकसान हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या नुकसान हो रहा है। आत्मा का भी नुकसान होता है, जी हां होता है। क्या नुकसान होता है, आत्मा की जो शक्ति है, क्या शक्ति है आत्मा की, भक्ति। आत्मा की शक्ति क्या है, वो जो भक्ति है आत्मा की शक्ति, वह शक्ति मन के द्वारा शरीर में लगने के कारण नष्ट हो रही है, यही अपराध है। इसी को कहते हैं अपराध। मतलब किसी से आप पैसा ले रहे हो इसलिए कि मैं आपको रिटर्न दूंगा, डबल करके दूंगा, ले रहे हो और ले करके आप उसको जुए मोड़ा रहे हो, सब कुछ लेके जुए मोड़ा रहे हो क्या रहा है, अंत में जो था वो सब नष्ट, ये अपराध है। इसी प्रकार से हमारा मन असत तृष्णा में लिप्त होने के नाते हृदय के अंदर दुर्बलता पैदा कर देता है कि चल थोड़ा सा तो सुख मिल ही जाएगा, वो थोड़े से सुख के चक्कर में वो सारी आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देता है,
और अपराध कर बैठता है। अपराध बहुत तरह के होते हैं, अब उन सब का चिंतन करने का समय नहीं। हम आगे पढ़ते हैं कि क्या परम गुरु महाराज जी माधव गोस्वामी महाराज आगे क्या बोलते हैं। कहते हैं हमने इनको समादर नहीं करना, इनको हमने आदर नहीं करना। ये जो कनक कामनी प्रतिष्ठा है ना, ये लौलुकता, इसे असत कहते हैं। कनक भी नहीं रहेगा, कामनी भी नहीं रहेगी और प्रतिष्ठा भी संसार में नष्ट हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें नहीं रहेंगी। ये असत के प्रति हमारी लौलुकता जो है, इसके प्रति आसक्ति जो है, इसको हमने समादर नहीं करना है, मतलब इसको संभाल के नहीं रखना है। आए उसको लगा देना है, रुपया आया लगा दिया, स्त्री को ठाकुर जी की सेवा में लगा, चलो एक कर्म कल तूने ये बनाया था आज ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, लगाओ। पति को काम में लगा दो, आपने कल जो सब्जी काटते काटते गड़बड़ की आज ये ऐसे ऐसे काट लो, चलो लगा दो। पति पत्नी सब लोग भगवान की सेवा में अगर लग जाएं तो उसमें असत तृष्णा सत तृष्णा बन जाएगी। उसका आदर नहीं करना। जो चीजें कनक कामनी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मान सम्मान मिला है तो उस सम्मान को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में? लोग हम बड़ा आदर करते हैं, जी आओ जी आओ, आप आ गए जी आ गए, वहां जाकर के भगवान नाम की चर्चा किसी भी तरीके से। कनक कामनी प्रतिष्ठा को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, यदि हम उसका वर्धन ना करें, उनको आदर ना करें, तब लग सकता है। आगे कहते हैं परम गुरु जी, मेरा जाने का समय हो गया। तीर्थ महाराज सब समय मठ में नहीं रहते हैं, प्रचार में जाना पड़ता है, इसलिए जगमोहन प्रभु पर देखभाल के लिए जिम्मेदारी। जगमोहन प्रभु परम गुरु महाराज जी के गुरुभाई थे। मेरी अस्पताल जाने के लिए इच्छा नहीं थी, लेकिन वैष्णवों की इच्छा पूर्ति के लिए जा रहा हूं। वैष्णवों की इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा हूं। जब ये लाइन को गुरु जी पढ़ते थे तो गुरु महाराज बोलते, हम तो वैष्णव नहीं है, लेकिन हमारा, फिर वो कई बार भावुक होकर गुरु जी के आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरे कारण से गुरु जी हॉस्पिटल गए, क्योंकि परम गुरु जी ने ये बोला था, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने का इच्छा तब। लेकिन शिष्य तो शिष्य ही है, अरे बीमार हो रहे तो हॉस्पिटल नहीं ले। जैसे अभी बाबा जी की तबीयत खराब हो रही थी तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, हमने तुरंत ऑक्सीजन लगाई। हाँ हम ये सोच लें बाबा जी जा रहे हैं जाने दो, तो ठीक नहीं। शिष्य का तो कर्तव्य होगा कि भाई, तो उस कर्तव्य बोध के कारण से और सभी गुरु भाइयों के द्वारा बोले जाने के कारण से हमारे गुरुजी ने अपने गुरुजी दादा गुरुजी परम गुरुजी को निवेदन किया कि महाराज सब वैष्णवों की इच्छा है, आप हॉस्पिटल चलें। गुरु जी कहते हैं, परम गुरु जी बोले, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। कहते नहीं महाराज जी, कहते मेरा जाने का समय हो गया, तुम हॉस्पिटल ना ले जाओ। तब भी गुरु जी के निवेदन करने से परम गुरु जी ने कहा कि मैं वैष्णव की इच्छा पूर्ति के लिए जा रहा हूं। मेरी कर्कश कथा के कारण तुम लोग दुख ना मानना। मैंने बहुत कई बार हार्श लैंग्वेज यूज की है, बड़ा ही कई बार कर्कश बोला है। कई बार आप देखते हैं वैष्णव लोग हम लोगों को बहुत उल्टा सीधा ऐसा लगता बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन उनके डांटने में हमारा कल्याण छुपा हुआ है, हमारा हित छुपा हुआ है, ये हम देख नहीं पाते। माँ के थप्पड़ में कितना प्यार होता है ये हम तब समझ नहीं पाते, लेकिन जब खुद माँ बनते हैं तब मालूम पड़ता है कि अगर वो थप्पड़ पड़ा नहीं होता तो शायद मैं सुधरी नहीं होता, या सुधरा नहीं होता। परम गुरु महाराज जी जिनकी भी हित के लिए उन्होंने कर्कश वाणी बोली, थोड़ा सा हार्श बोल दिया, परम गुरु कहते हैं उसके कारण से तुम लोग दुख ना मानना। जो मैंने तुम्हें कड़वा बोला उससे
तुम दुख ना मानना, मुझे क्षमा करना। अपने शिष्यों से एक गुरु किस प्रकार से बोल रहे हैं, यही होते हैं गुरु, इन्हीं को कहते हैं गुरु। जो वैष्णव जन हैं वो लोग मेरे सेव्य हैं, ये शब्द के ऊपर पूर्णतया उनका जीवन था। जितने भी वैष्णव हैं वो मेरे सेव्य हैं, सेव्य का मतलब मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे मालिक हैं। तो वैष्णव बोलने का मतलब ये नहीं बोलने कि उनके बड़े गुरु भाई, वैष्णव मात्र से जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, वो सारे के सारे मेरे सेव्य हैं। ये उन्होंने प्रैक्टिकल में किया, दिखलाया। मैंने उस दिन भी बोला था कि किस प्रकार से उन्होंने वैष्णव सेवा के लिए अपने आप को लगाया। उनके यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन होता तो जितने गुरु भाई हैं, जितने महात्मा लोग उनके उस वक्त महापुरुष लोग थे, उन सबको बुलाते थे और सभी लोग बड़े आदर के साथ आते थे कि महाराज जी के यहाँ प्रोग्राम, हम सब चलेंगे, बहुत आदर के साथ। और उनकी सेवा में कुछ ब्रह्मचारियों को नियुक्त करते थे, जिनमें से एक हमारे भारती महाराज जी भी थे, भक्ति दैत भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे। मतलब आप देखिए कि उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है, अभी 2017 उन्होंने भी, 17 में गुरुजी भी गए, तो 6 महीने के अंदर ही चले गए ना, 4 महीने गुरुजी के जाने। तो वो भारती महाराज जी को और अनंग प्रभु को और हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी को, इन सब को वो ब्रह्मचारियों को और सन्यासियों को अपने गुरु भाइयों की सेवा के लिए भेजते थे। देखो तुम वो जो महाराज हैं, उन तीन महाराजों का तुम व्यवस्था देखना, तुम इनका देखना, तुम उनका, और कुछ को ऐसा रखते थे ओवरऑल देखने के लिए कि सबका व्यवस्था ठीक चल रहा है, उसको देखना। ऐसी सेवा की मतलब ऐसी सेवा करवाते थे परम गुरु जी कि जिससे लगता था कि हाँ हम वैष्णवों के पास बैठे। और फिर विशेष रूप से बोलते थे, देखो ये वैष्णवों के अंदर देखना नहीं कि इनको ए अच्छा नहीं लगता खाने में, वो अच्छा नहीं लगता, तुम बोलो, तुम सोचो इनको खाने का लोभ, ऐसा कभी नहीं सोचना। उनको जो अच्छा लगता है वही भोजन देना, उनके लिए अलग से बनाना। और हम लोग क्या, ले ये वैष्णव होते, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं कलकत्ता में था तो कुछ दादा गुरु जी का ये जो तिरो ध्यान लीला है उस समय की बात है, तो कुछ वैष्णवों ने, गुरु जी के गुरु भाई थे, उन्होंने विशेष रूप से 15-20 तरह के पकवान बनाए और जनरल पब्लिक के लिए खिचड़ी और लफड़ा सब्जी होती ना, लफड़ा सब्जी मिक्स वेजिटेबल, वो खीर और चटनी, ये 4 चीज़ें। और जो ये 15-20 आइटमें बनी हैं वो उनके जो कलेक्शन देते हैं हर महीने महीने कलेक्शन देते, उनके लिए उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा अपने अपने कमरे में अलग अलग। तो मैं एक कमरे में गया, मेरे भूख लगी थी, दोपहर के 3-4 बज गए थे, नीचे सेवा में थे। उसके बाद जब गया मैंने वहाँ जाया, हाँ वाह बढ़िया खाया, वाह। खाने खुने के बाद गुरु जी के कमरे में गया, गुरु जी अंतर्जामी, मैंने प्रणाम किया, गुरु जी कहते जो खाया विष खाया, जो खिलाया विष खिलाया। मैंने कहा, तो गुरु जी ने क्लियर किया उसको, कहते जो भगवान गुरु गुरु है ना, जो भगवान के लिए जो नहीं हुआ, जो वैष्णवों के लिए नहीं हुआ, वो अपना अपना लोक के लिए करना, ये विष खिलाया विष। हम कलेक्शन नहीं किया, हमने भी कलेक्शन किया, हम तो ऐसा कभी किया नहीं। तो मैं शांत था, चुप था, मैं भी, मैं क्या क्वेश्चन करता। गुरुजी थोड़ा सा आवेश में थे, गुरुजी कहते जो हरि गुरु वैष्णव की सेवा के उद्देश्य से मठ में नहीं है उसका संग नहीं करना। हरि गुरु वैष्णव सेवा का उद्देश्य जिसका नहीं है
उसका संग नहीं करना। ये बात एक बार गुरुजी ने बोली, मैंने कहा ठीक है। अब देखिए, गुरुजी के कमरे से निकलता हूं, मुझे हर किसी में दोष नजर आने लगा। बड़े बड़े वैष्णव जो गुरुजी के बराबर के, ले इनको तो खाने में जो आलू पसंद ही नहीं, आलू निकाल के बाहर फेंक देते, भगवान का प्रसाद ही नहीं इनको नजर आता। ऐसी मेरी बुद्धि हो गई, एक घंटे के अंदर मेरे को मेरे अलावा कोई वैष्णव ही नजर आ रहा था। मैं ही शुद्ध बुद्ध हूँ, बाकी सब हे राम। वो रात बीत गई, सुबह होते ही मैं सबसे पहले गुरु जी के कमरे में गया, मैं प्रणाम किया। मैंने कहा गुरु महाराज जी, कहते क्या हुआ? मैंने कहा महाराज वो मेरा तो बुद्धि खराब हो गया। कहते क्या हुआ? मैं कहा मेरे को तो कोई वैष्णव नजर ही नहीं आ रहा, सब में दोष नजर आ रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, यही बद्ध जीव का लक्षण है, जो संसारी में संसार में फंसा हुआ, माया में फंसा हुआ बद्ध जीव है, यही तो बद्ध जीव का लक्षण। मैंने हाथ जोड़ा, नीचे सिर किया। गुरु कहते देखो, इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। भगवान का, गुरु जी के शब्द थे, भगवान का सृष्ट प्राणी कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। वही गुण को देख करके उसको प्रणाम करना, वही गुण को सामने रख के उसका सम्मान करना। ये बात तो गुरु जी ने 89 में बोली मेरे को, लेकिन आप के सामने निष्कपटता से कह रहा हूं, 2003 में जाके समझ आई, भूली नहीं मेरे को, लेकिन 2003 में जाके बैठी। हाँ, मतलब हर आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है। तो वैष्णव सेव्य हैं, मैं उनका दास हूं। अक्सर हमारे स्वरूप के बारे में पूछा जाए तो जीवेर स्वरूप है क्या? जीव का क्या स्वरूप है? भगवान का। वास्तविकता में क्या यही स्वरूप है जीव का? नरोत्तम, क्या नाम तेरा? परमानंद। क्या यही स्वरूप है जीव का? जीव का स्वरूप क्या है? फटाफट बोलो, समय नहीं है, ऐसे चुपचाप रहोगे तो। कृष्ण क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है? प्राण गोविंद, क्या नाम तुम्हारा? जीव का स्वरूप क्या? सो रहा है तू? कोई और है? कोई और देवी का नित्य दास बनने वाला कोई? कोई और? हाँ जी, ओम प्रकाश जी। कृष्णदास। गुरु जी बोलते हैं हमारा स्वरूप कृष्ण नित्य दास नहीं है, हमारा स्वरूप है कृष्ण दास, दास दासानुदास, यही स्वरूप है। क्या बोलते हैं? ना हम विप्रो ना च नरपति नपि वैश्यो ना शूद्रो ना हम वर्णी न च गृह पतिर्णो वनस्थो ज्योतिर्वा किंतु प्रदन्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानुदास। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं, राधा रानी इस बात को कह रही हैं, राधा रानी इस बात को कह रही हैं कि हे सखी, तुम कह रही हो कि जब वो आए तो उनसे तुम रूठ जाओ, मैं कैसे रूठूं? अगर उन्हें कोई सुख देने वाली है तो कृपा करके मुझे बता दो, मैं उसकी दासी बन जाऊं, जिससे कि ठाकुर जी उसके सुख में सुखी हो रहे हो तो मैं उसकी सेवा कर लूं। सोच लीजिए, हमारी आराध्या, हमारी परम आराध्या श्री राधा रानी ऐसे बोल रहे हो। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि राधा रानी तो मेरे से कोई सेवा लेती नहीं है, अरे सखियो तुम्हें ही कुछ हमें सेवा दे दो, हम जो श्यामा जी की सेवा कर ले। देखिए हमारे इष्ट देव ऐसे हैं, और फिर क्या कहते हैं भगवान स्वयं, मेरा भक्त मुझे प्रिय नहीं है। श्लोक क्या है याद है? मदभक्तस्य मेरे भक्त का भक्त जो है वो मुझे प्रिय है, मदभक्तस्य
मेरा स्वयं का भक्त जो है, मेरा सेवक मुझे प्रिय नहीं है, मेरे सेवक का जो सेवक है वो मेरा प्रिय है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भगवान के सेवक का सेवक है वो भगवान का अगर प्रिय हुए तो वो भगवान का सेवक हुआ कि नहीं? तो जो वो सेवक है उसका जो सेवक होगा वो भगवान को प्रिय होगा कि नहीं? तो भगवान को अपना पुत्र, जैसे अपना पुत्र प्रिय तो होता ही है माँ बाप को, लेकिन अपने पुत्र का जो पुत्र होता है ना और ज्यादा प्रिय होता है, ऐसे। तो भगवान जो सेव्य हैं वो हमारे भगवान सेव्य होने के बाद भी हमारे वैष्णव ही सेव्य हैं। ये बात परम गुरु जी ने कही कि जो वैष्णव जन हैं वो लोग मेरे सेव्य हैं, मैं सबकी सेवा करना, मैं सबकी सेवा को करना चाहता हूँ, तुम लोग सब निष्ठा के साथ हरि भजन करना, ये सेवा कर रहे हैं परम गुरु जी। जीवों को, हम जैसे जीवों को वैष्णव समझते हुए ये वाणी के द्वारा सेवा कर रहे हैं कि तुम लोग निष्ठा के साथ हरि भजन करना, जैसी भी अवस्था में रहो हरि भजन कभी नहीं छोड़ना, जैसी भी अवस्था में रहो हरि भजन। एक ये बहुत गंभीर शब्द है ये, जैसी भी अवस्था में रहो हरि भजन। देखिए आपको विपरीत से विपरीत अवस्था आएगी, हरि भजन छूट जाएगा। विपरीत से विपरीत छोड़िए, सर दर्द होगा सबसे पहले हरि नाम छूटेगा। विपरीत से विपरीत तो छोड़ ही दीजिए, जुखाम होता है ना, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं खाने के लिए भजन छूटेगा, तबीयत खराब होगी, कुछ भी होगी, पेट का जो काम है ना सेवा वो नहीं छूटेगी, पेट की सेवा नहीं छूटेगी, और सांवरिया सेठ की सेवा छूट जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक संत हैं, एक मतलब बहुत संत हैं, तो दो संतों को देखा, परिक्रमा करते थे डेली, दो दो परिक्रमा। तो एक दिन मैंने देखा गर्मी में स्वीटर पहने हुए, मैंने कहा बाबा, मैं प्रणाम करने, कई बार उनको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम किया तो उन्होंने भी प्रणाम किया, मैंने कहा बाबा आपने स्वीटर पहन रखा क्यों? वही थोड़ा बुखार हो गया, थोड़ा बुखार। तो मैंने नब्ज चेक की और नब्ज 120 पल्स दे रही थी, मतलब एक मिनट में 120 टक 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 भाग रही और तपता हुआ शरीर। मैंने कहा आप परिक्रमा करने काहे के लिए निकल आए, आप रेस्ट कर लेते, रुको मैं दवाई लेके आता हूँ। कहते नहीं नहीं वो आप वहाँ से ले लेंगे, डेक्नाफेनिक पैरासीटामोल, और तीन चार उन्होंने सॉल्ट के नाम बोल दिए। सॉल्ट के नाम कौन बोलता है? क्रोसिन बोल देगा, नहीं वो मतलब सॉल्ट्स के नाम बोले। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन रुको तो सही, आप मेरे अंदर हुआ मैं क्या सेवा करूं? मैंने कहा लेकिन आप आराम कर सकते थे। तो उन्होंने क्या बात बोली, कहते क्या करेगा ना, चाकरी है ना, अब चाकरी नौकरी कर रहा है तो वह तो खाने को दे रहा है, उसका सेवा तो करना होगा। अब परिक्रमा से क्या भगवान की सेवा हो रही है? होंगे मतलब दवाई, कहते राधा कुंड का जल, और मैंने वास्तविकता में देखा जिस जल को हम लोग आचमन करने में कई बार कतराते हैं, उनका वो गंदा सा कपड़ा जो पहना हुआ होता है, बाहर से दिखने में गंदा सा कपड़ा, उस कपड़े को लोटे पे बांधा, उसको अंदर डाला, ढुक 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 करके उसमें पानी भरा, उस पानी को गट 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 कर करके पी जाते, पूरा पेट भर के पानी पीते हैं, कमाल। आपने बोल ही दिया, मैं वो बोलने जा रहा था मैं कुछ दूसरे तरीके से, लेकिन आपने डायरेक्ट बोल दिया। मैंने देखा जिसको हम आचमन करने में हमको ऐसा लगता है कि कितनी स्मेल आ रही है, अरे राधा कुंड का जल, राधा कुंड राधा रानी है, ये हमारी दृष्टि में तो है ही नहीं। जिनके लिए वो राधा रानी है, राधा रानी उनके लिए है, वो हमारी दृष्टि में है नहीं, तो हमारे लिए है नहीं, हमारे लिए राधा कुंड का जल है। और मैं उस वक्त मैं देख के हैरान रह गया इस चीज को, कट 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 कर लौटा, पुतला सा सूखा सा शरीर। इस प्रकार के महात्मा लोग, आप मत कोशिश करना,
आप तो ये वाला पानी भी बिना फिल्टर के नहीं पीते भैया जो कि हमारे मजदूर और गांव के लोग, कहीं फिल्टर नहीं लगा, सब लोग हजम कर जाते हैं। अगर करनी होगी कोशिश, पहले इसको पियो 4 दिन बिना फिल्टर किए, 1 दिन के अंदर हालत खराब हो जाएगी। जब ये पानी से हालत खराब हो जाएगी तो किसी कुंड के जल को 3 ड्रॉप लेना, ड्रॉप ऐसे जल लिया, मुंह लगाया, होठ में जितना आया उसी को लेना है। इसको बोलते आचमन, पान नहीं ये आचमन है। ठीक है, तो विषय पे वापस आते हैं। तो ये वैष्णव लोग ही हमारे सेव्य हैं, उनकी ही सेवा हमारा लक्ष्य है। कहते हैं तुम लोग निष्ठा से भजन करना। निष्ठा से भजन का मतलब क्या होता है? भजन में पक्की तरह स्थित रहना, निश्चित रूप से स्थित रहना, निष्ठा, निश्चित स्थिति, यह है निष्ठा। तो इसलिए वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव्यो नमः। थोड़ा सा और बाकी है, कल इसको पूरा करेंगे और उसके बाद में परसों से पुजारी प्रभु जी शाम की कथा करेंगे।